नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच में होने वाले फर्स्ट वनडे मैच की। जी हां, आपको बता दें, अब टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच में वनडे मैच की सीरीज खेली जानी है और यहां पर उम्मीद की जा रही है कि टीम इंडिया वनडे मैच में भी ठीक वैसे ही हराने वाली है इंग्लैंड की टीम को, जैसे अभी हाल ही में इंग्लैंड को T20 में हराया है। क्योंकि आपको बता दें, टीम इंडिया की जो परफॉर्मेंस रही है वो बेहद ही शानदार रही है और कई सारे ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो काफ़ी अच्छी फॉर्म में भी नजर आए हैं। इस वजह से ये दावा किया जा रहा है कि टीम इंडिया वनडे सीरीज को भी जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। तो चलिए बात करेंगे हम आज के इस वीडियो में कि ये मुकाबले कब, कहां, कैसे खेले जाने हैं, साथ ही टीम इंडिया की क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है, कितने मुकाबले खेलने जाने हैं। तो जी हाँ, आपको बता दें, टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो वनडे सीरीज शुरू हो रही है इसमें 3 वनडे मैच खेले जाएंगे। इसका पहला मुकाबला आपको कल यानी 12 जुलाई को शाम को 5:30 बजे से देखने को मिलने वाला है, जबकि टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा वो 14 जुलाई को खेला जाएगा और ये मुकाबला भी शाम को 5:30 बजे से ही खेला जाएगा। तीसरा वनडे मैच भी 17 जुलाई को शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। ऐसे में टीम इंडिया इस मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयारी करके उतर रही है और क्योंकि टीम इंडिया इन दिनों T20 वर्ल्ड कप 2022 की भी तैयारी कर रही है, ऐसे में टीम इंडिया चाहेगी कि वो हर हाल में इस T20 मुकाबले को जीते। तो चलिए बात कर लेते हैं कि टीम इंडिया की क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है, वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनकी वापसी हो रही है, तो वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनका पत्ता कट रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्लेइंग 11 की। तो जी हां, आपको बता दें, टीम इंडिया की तरफ से सबसे पहले आप सभी को रोहित शर्मा शिखर धवन के साथ इस वनडे सीरीज के लिए ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। शिखर धवन की बहुत लंबे समय के बाद टीम इंडिया में वापसी हो रही है। शिखर धवन और रोहित शर्मा की जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते हैं, तो ऐसे में एक बार फिर से शिखर धवन और रोहित शर्मा की ही जोड़ी आपको देखने को मिलने वाली है वनडे क्रिकेट में। इसके अलावा विराट कोहली आपको तीसरे नंबर पर नजर आने वाले हैं, लेकिन विराट कोहली की जगह हो सकता है दीपक हुड्डा या फिर श्रेयस अय्यर को मौका दिया जा सके। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव आपको नजर आने वाले हैं, जो कि बहुत ही शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। साथ ही हार्दिक पांडे आपको देखने को मिलेंगे, जिन्होंने पिछले कुछ मैचों से पूरी तरह से तबाही मचा रखी है अपने बल्ले से। इसके अलावा ऋषभ पंत आपको नजर आने वाले हैं, जो कि विकेट कीपर भी होंगे। वहीं रविंद्र जडेजा को भी वनडे सीरीज के लिए मौका मिलने वाला है। शार्दुल ठाकुर आपको देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन शार्दुल ठाकुर की जगह प्रसिद्ध कृष्णा को भी मौका मिल सकता है। इसके अलावा मोहम्मद शमी होंगे, जसप्रीत बुमराह और युजवेंद्र चहल, ये रहने वाली है टीम इंडिया की प्लेइंग 11। यहाँ खास बात यह है कि केएल राहुल को वनडे सीरीज से भी बाहर रखा गया है। उम्मीद की जा रही थी कि केएल राहुल फिट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द केएल राहुल फिट होकर वापसी करेंगे। तो यही था वीडियो में, वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।